हाल ही में मणिपुर मुद्दे पर एक शो के दौरान रिपब्लिक चैनल ने ये वीडियो चलाया था. इंसर्जेंट्स इन मणिपुर यूजिंग दोज मिसाइल्स एंड दोज कैटापल्ट्स टू थ्रो दोज मिसाइल्स इनटू villages and these are exclusive pictures. We are attributing them to Manipur police, in fact. So these are authenticated and these are dangerous weapons in the hands of Manipur insurgents. Not, we are not mentioning which side is using that. Of course, the police knows which side is using those catapults and improvised missile launchers. So to say, we have seen over the last 1 week, see the missile, see the scale. It's almost like a 4 or 5 feet long rocket. चैनल ने दावा किया कि मणिपुर में विद्रोहियों ने मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके एक गांव पर अटैक किया. देखते ही देखते सोशल मीडिया यूजर्स भी ये वीडियो शेयर करने लगे और कहने लगे कि मणिपुर में विद्रोहियों ने एक भारतीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया. ऑल्ट न्यूज ने इस कथित फुटेज को लेकर छानबीन शुरू की. 5 सितंबर को YouTube पर यह वीडियो अपलोड किया गया था. टाइटल के अनुसार ये वीडियो म्यांमार का है, जहां काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने म्यांमार झूंटा हेलीकॉप्टर को एक मैनपेट से मार गिराया था. क्लैश रिपोर्ट नामक हैंडल ने भी ये वीडियो रिपोर्ट पोस्ट कर यही बात बताई थी. मणिपुर पुलिस और PIB फैक्ट चेक ने भी ये बात साफ की थी कि ये वीडियो मणिपुर का नहीं बल्कि म्यांमार का है. यानी रिपब्लिक टीवी ने जो फुटेज टीवी पर मणिपुर का बताते हुए चलाया वो दरअसल म्यांमार का है.